अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो हम अभी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसका कोड है CIT 263। इसके पहले तो हमने एक एक्सपेरिमेंट करनी है जिसमें कैलिब्रेशन ऑफ पेपर एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग सिलेंडर है। अब ये थर्ड हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, थर्ड एक्सपेरिमेंट है हमारे पास कैलिब्रेशन ऑफ बियर। तो कैलिब्रेशन ऑफ बियर के अंदर सेम है जैसे हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो सेम प्रोसीजर इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, सेम फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ हमने ऑपरेटर्स को चेंज किया है। यानी कि पहले हमने इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन की है, फिर मेजरिंग सिलेंडर की कैलिब्रेशन की है, और अभी जो कैलिब्रेशन कर रहे हैं ये है बियर की। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, सबसे पहले हमारे पास बियर होना चाहिए क्योंकि कैलिब्रेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऑपरेटर की कैलकुलेशन करते हैं वो आपके पास बहुत नेसेसरी ऑपरेटर होता है, उसके बाद सेकंड हमारे पास बीकर है, फिर उसके बाद पिपेट है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल बैलेंस आप कॉम बैलेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल बैलेंस जो है वो पॉइंट के अंदर रीडिंग देता है, तो अच्छी कंट्रोल की जाती है। इसके बाद केमिकल के अंदर जो है ना हमारे पास स्टैंडर्ड केमिकल जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर है, हमने डिस्टिल्ड वाटर को इस्तेमाल करना है स्टैंडर्ड केमिकल के तौर पर, और एक खास प्रोसीजर के तहत आगे एल्गोरिथम है जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर बताया हुआ है। आते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्क्लूजन के ऊपर। तो ये साथ साथ जैसे जैसे आप प्रोसीजर कर रहे होते हैं उसके साथ साथ इसको भी अकॉर्डिंगली आपने फिर करना होता है साथ साथ टेबल पर। सबसे पहले आपने रेट ऑफ एंटी बीकर देना है, यहाँ पर देख देना है एंटी बीकर खाली बीकर का वजन दे देना है, फिर उसके बाद उसके अंदर आपने पेपर की मदद से जैसे पेपर है हमारे पास, तो पेपर को आपने यहाँ जीरो लेवल तक फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद आपने इसको ड्रेन आउट कर लेना है उस बीकर के अंदर, बीकर के अंदर ड्रेन आउट करेंगे, उस बीकर के अंदर ड्रेन आउट करने के बाद फिर वेट ऑफ बीकर का वेट ऑफ वाटर जो आप ले लेंगे तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, और ये वैल्यू जो भी होगी ये हमारे पास ग्राम के अंदर आती है, ठीक है, ये ग्राम के अंदर आएंगी। फिर उसके बाद वेट ऑफ वाटर आपको निकालना है, यानी कि बी माइनस ए, तो बी माइनस ए जब करेंगे आपके पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, यानी कि इस वेट के अंदर से इस वेट को आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपने डेंसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करना है। डेंसिटी का फार्मूला है हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो जब आप वॉल्यूम को आपने निकालना है तो आप वॉल्यूम को एक तरफ रखें तो क्या होगा, मास ओवर डेंसिटी आ जाएगा। तो जो हमारे पास डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ डिस्टिल वाटर ये हमारे पास होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml की डेंसिटी होती है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, जितना भी आपके पास डेंसिटी आई है आपने वेट और वॉल्यूम का जब डेंसिटी और मास का जब कंपैरिजन आपस में करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम और वाटर नहीं बताएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास एक्चुअल वॉल्यूम, तो एक्चुअल वॉल्यूम आपके पास वो होता है जो कि जितनी कैपेसिटी का ऑपरेटर होता है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर 100 ml का यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका 100 ml लिखना है, अगर 50 का कर रहे हैं 50, अगर 20 का कर रहे हैं तो 20 ml। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट है ये है तकरीबन 100 ml का, या हम 50 ml के साथ भी इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो ऑपरेटर आपने इस्तेमाल कर रहे हैं उसका वॉल्यूम आपने लिख लेना है, यहाँ पे मैंने 100 ml लिखा हुआ है तो 100 ml लाजमी नहीं है, यहाँ पे वो आपने जो है ना वॉल्यूम लिखना होता है जो कि एक्चुअल ऑपरेटर का वॉल्यूम है जो कि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसकी जो है ना एरर चेक करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है कि या एरर इसको कहते हैं, तो एरर जो एक्चुअल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको आप एरर कहेंगे, वो प्लस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, और ये आएगी हमारे पास ml के अंदर, यहाँ पे भी ml के अंदर आएगी, यहाँ पे भी ml के अंदर। तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, 3 दफ़ा ये एक ही ऑपरेटर के साथ उसको रिपीट करना है, प्रोसेस रिपीट करने के बाद हमें इसका मीन एरर निकालना है, ठीक है। मीन एरर ये तीनों वैल्यू जो आपने नोट किए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे,
बाद उसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना है, आपके पास जो एरर आएगा वो मीन एरर आएगा, ठीक है। मीन एरर आएगा तो आपने नोट कर लेना है, वो फिर उस ऑपरेटर के ऊपर मेंशन कर दिया जाता है कि है ये कितना प्लस और माइनस जो है ना इसके अंदर कितना एरर आ रहा है, ठीक है। तो उसके जब उसके ऑपरेटर के साथ मेजरिंग की जाती है तो फिर उसके अंदर से वो प्लस या माइनस की जाता है अपना वैल्यू, ताकि उसकी जो मेजरमेंट है उसको करेक्ट किया जा सके। यहाँ पे आते हैं मैथ के ऊपर, तो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में और इस्तेमाल भी किया था, तो ये हमारे पास पीरियड, ठीक है। तो ये आपने इस्तेमाल करते हुए पीरियड को आपने पूरा एक्सपेरिमेंट को ठीक करना है। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ आगे होंगे। तो आपका